Hello everyone, welcome to Global Online Canada. Myself Nihal sir. So आज के session में हम sustainable development goals के बारे में पढ़ने वाले हैं. जैसे कि previous lecture में हमने MDG देखा था, Millennium Development Goal. इसके एक एक goals के सारे targets हमने cover किए थे. तो sustainable development goals में भी हम 17 goals जो है वो देखने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एक एक गोल आपके एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आपकी आने वाले NTUGC NET एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इसमें हर एक जो गोल है उसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. उसके साथ अगर आपने प्रीवियस सेशन देखा है तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखा है तो प्रीवियस सेशन भी देख लो. ठीक है, हम क्या करते हैं, लास्ट में जो जो थ्योरी पार्ट खत्म होता है तो कितना हमें समझ में आए फॉर इवेल्युएशन पर्पस हम कुछ MCQs डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो वो MCQs भी आपको देखने हैं, डिस्कस करने हैं. ठीक है, वो किस तरह से करने हैं मैं सेशन के एंड में बताऊंगा. तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन देयर इज वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल द पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द NTUGC NET. ओके ओके, सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस, आपकी अपकमिंग UGC NET एग्जामिनेशन जून 2024 के लिए ग्लोबल ऑनलाइन ने क्या है पेपर वन का कंप्लीट कोर्स. ठीक है, उसके लिए न्यू बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है, आज से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रही है. एवरी मंडे जो है वो नई बैच शुरू होती है ना. डेली लाइव लेक्चर्स उसमें होने वाले हैं, रिकॉर्डेड सेशंस, मॉक टेस्ट, है ना, ये सारी चीजें आपको पेपर वन की प्रिपरेशन के लिए मिलने वाली है. ठीक है, एंड एवरी डे एवरी नाइट एट 9 PM जो है ऐप पे, अपने ग्लोबल ऑनलाइन ऐप जो है उसके ऊपर लाइव सेशन होता है ना. ये जो कंप्लीट कोर्स है उसकी फीस जो है सिर्फ 2400 इतनी है. 2400 इज नथिंग, है ना, आपको आपकी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए 2400 इज नथिंग. क्लियर, आपको अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज या फिर व्हाट्सएप कॉल ही चलेगा. ठीक है, नॉर्मल कॉल, नॉर्मल मैसेज वगैरह इस पे नहीं चलेगा, तो आपको व्हाट्सएप ही करना होगा. या फिर आप ग्लोबल ऑनलाइन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अवेलेबल ऑन दी प्ले स्टोर. ओके, सो फटाफट जाके ये एप्लीकेशन डाउनलोड करो, है ना, कोर्स ज्वाइन करो और खुद का प्रिपरेशन जो है वो फटाफट स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना. आपका प्रिपरेशन जो है एक स्टेडी स्टेबल फ्लो में कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, ज्यादा घाई करके भी कुछ होगा नहीं और ज्यादा स्लो जाके भी कुछ होगा नहीं. सो एक स्टेडी वे में, एक स्टेबल वे में आपका कंप्लीट आपका जो कोर्स है, आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. ओके, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, क्या टारगेट ईयर है ना, किसे टेक ओवर किया है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं SDGs, ओके, सतत विकास लक्ष्य, राइट. सतत विकास लक्ष्य जो है इसमें टोटल 17 गोल्स हैं. ठीक है, इंटरलिंक्ड गोल्स है ये 17, जो कि एक ब्लूप्रिंट है किस चीज के लिए, टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, सबके लिए एक टिकाऊ भविष्य, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए ये 17 गोल्स जो है वो डिसाइड किए गए हैं बाय द यूएन मेंबर्स, यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स. ओके, तो ये यूनाइटेड नेशंस मेंबर्स ने बनाए गए 17 गोल्स है जो कि इंटरलिंक्ड ग्लोबल गोल्स है, जिसमें एक सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए, एक बेटर फ्यूचर बनाने के लिए एक तरह का ब्लूप्रिंट है. ब्लूप्रिंट मतलब पता है क्या होता है, एक इस तरह एक डॉक्यूमेंट हम बोल सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप हमें काम क्या करना है, क्या अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, इसे बोलते हैं हम एक ब्लूप्रिंट. ओके, सो ब्लूप्रिंट ऑफ दिस 17 गोल्स इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. आया ध्यान में, देखो इसमें क्या चीजें याद रखनी है, 2030 जो है इसका टारगेट ईयर है. जैसे कि MDG का टारगेट ईयर क्या था, 2015, कब स्टार्ट हुआ था, 2000 में, बराबर, और कब खत्म होने वाला था, 2015 में, है ना. सो 2000 से लेके 2015 तक ये जो उसका टेन्योर था, है ना, और 2015 जो है उसका क्या है, टारगेट ईयर था, बराबर. उसी की तरह SDG जो है ना, SDG यहाँ पे मैं लिखता हूँ,
वो जो है 2016 में स्टार्ट हुआ, ठीक है, 2016 से लेके 2030 तक इसका टेन्योर है, ओके। एक्चुअल में 2015 में इसे टेक ओवर किया, लेकिन 2016 में ये जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ था अच्छे से। सो 2030 तक इसका टारगेट ईयर है, ओके। सो 2016 से लेके 2030 तक इसका क्या है, पूरा टेन्योर है। इतने टेन्योर में, इतने कालावधि में इसे क्या करना है, पूरी तरह से अचीव करना है। किसे अचीव करना है, जो भी इसमें यूएन मेंबर्स है वो सारे यूएन मेंबर्स इस 17 गोल्स को अचीव करने में लगे हुए हैं, राइट। तो ये 17 गोल्स है क्या, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या क्या अलग फैक्टर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्या क्या इसमें टारगेट्स है ना, ये टारगेट्स हम सब पढ़ने वाले हैं। आया, चलो। देखो, दे आर इंक्लूडेड इन यूएनजीए। यूएनजीए क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ओके। इसमें एक रेजोल्यूशन है जिसे कहते हैं 2030 एजेंडा, ठीक है। तो ये रेजोल्यूशन क्या है, ये रेजोल्यूशन देखता है कि सारे टारगेट्स है ना, ये जो गोल्स है 17 गोल्स, एक एक गोल कितना लेवल तक अचीव किया गया है, कितना अचीव नहीं किया गया है, कितना बाकी है, क्या क्या अचीव करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ये सारी चीजें देखने का काम कौन करता है, यूएनजीए रेजोल्यूशन करता है। 2030 एजेंडा उसका नाम है, ओके। एसडीजीज वेर डेवलप्ड इन पोस्ट 2015 डेवलप्ड एजेंडा एज अ फ्यूचर ग्लोबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क टू सक्सीड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। जैसे हमने डिस्कस किया कि 2015 में जब मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड हुआ था, समाप्त हो गया था, तभी एसडीजी ने उसे टेक ओवर किया था कुछ एडिशनल गोल्स के साथ। फिर उसका टारगेट ईयर जो हो गया वो हो गया 2030, 2030 तक ये सारे गोल्स क्या करने हैं, अचीव करने हैं, करेक्ट। दो द गोल्स आर ब्रॉड एंड इंडिपेंडेंट 2 years लेटर फ्रॉम 15 टू, ओके, फ्रॉम 15 टू 6 जुलाई 2017 द एसडीजीज वेर मेड मोर एक्शनेबल। मतलब कि 2017 से ये जो एसडीजीज का इम्प्लीमेंटेशन है वो ज्यादा एक्शनेबल हो गया, ज्यादा और एक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन हो गया, ऐसा बोला गया है। एंड यूएन मेंबर्स और सॉरी यूएन रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली, ठीक है। द रेजोल्यूशन आइडेंटिफाइज स्पेसिफिक टारगेट्स फॉर ईच गोल अलोंग विद इंडिकेटर्स दैट आर बीइंग यूज्ड टू मेजर प्रोग्रेस टुवर्ड्स ईच टारगेट्स। तो ये जो जनरल असेंबली है, मतलब एक असेंबली ऐसी बिठाई गई थी या एक रेजोल्यूशन ऐसा बनाया गया था जो कि क्या करेगा, हर एक टारगेट जो है ये 17 गोल्स में हर एक गोल जो है उसे मॉनिटर करेगा कि कितने लेवल तक ये अचीव हुआ है, कितने लेवल तक ये अचीव होना बाकी है, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसका प्रोग्रेस कैसा है। ये सारी चीजें अगर कोई ओवरव्यू करता है, मॉनिटर करता है, तो ये रेजोल्यूशन है थ्रू दी जनरल असेंबली, ठीक है। नाउ लेट्स सी गो थ्रू दी 17 गोल्स ऑफ दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलो, तो ये देखो, ये गोल्स है अपने 17। नो पॉवर्टी इसमें आता है, जीरो हंगर है, हंगर के रिलेटेड है ना, हमने एमडीजी में देखा था है ना, इरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, करेक्ट। एक फर्स्ट गोल था, उसी को दो में डिवाइड किया है, पॉवर्टी का एक बनाया गया है और जीरो हंगर का बनाया गया है ना। कुछ सिमिलर गोल्स आपको देखने मिलेंगे। गुड हेल्थ एंड वेलबींग इसमें तीसरा गोल है, एजुकेशन से रिलेटेड एक गोल है, फिर फिफ्थ गोल है जेंडर इक्विलिटी को लेकर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन इसमें आता है, अफोर्डेबल एनर्जी, डिसेंट वर्क, इंडस्ट्री के रिलेटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के रिलेटेड है ना, इनइक्वेलिटी के रिलेटेड है, सिटीज, सस्टेनेबल सिटीज, कम्युनिटीज, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन इसमें आता है, क्लाइमेट एक्शन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल है इसमें, उसी के साथ बिलो वाटर एंड ऑन लैंड, ये दोनों तरह के लाइफ जो होते हैं है ना, मतलब बिलो वाटर लाइफ क्या होती है, ऑन लैंड लाइफ क्या होती है, इसके बारे में भी गोल्स दिए गए हैं। फिर उसके बाद 16th गोल है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन के बारे में भी इसमें गोल दिया गया है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, बराबर। तो ये सारे 17 गोल्स हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, ओके। चलो, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट गोल, दैट इज नो पॉवर्टी, ओके। सो इन द एमडीजी वी हैव डिस्कस्ड द फर्स्ट गोल, दैट इज एरेडिकेट पॉवर्टी एंड हंगर, राइट। सो इन दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, दो जो गोल है वो अलग अलग करके दिए हैं, मतलब
एमडीजी का एक जो गोल है उसे डिवाइड करके दो दिए हैं, मतलब कि पावर्टी और हंगर का अलग अलग गोल इसमें दिखाया गया है। सो नो पावर्टी के लिए, मतलब पावर्टी को पूरी तरह से इरेडिकेट करने के लिए इसमें कुछ इनिशिएटिव्स लेने जरूरी होते हैं, मतलब कि एक्सट्रीम पावर्टी को ग्लोबली पूरा रिड्यूस करना, ये 2030 तक का टारगेट है। ओके, तो इसमें कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ एक्शंस प्रायोरिटी बेस पे लिए गए हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंप्रूविंग एक्सेस टू सस्टेनेबल लिवलीहुड्स, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज हो, या फिर प्रोडक्टिव रिसोर्सेस हो, या फिर यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करना सबके लिए, सोशल सर्विसेज के लिए, उसी तरह से पीपल, एम्पावरिंग पीपल लिविंग इन पावर्टी एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, एड्रेसिंग द डिसअप्रोप्रिएशनेट इम्पैक्ट ऑफ पावर्टी ऑन स्पेशली वीमेन्स। ओके, फिर इस तरह से कुछ इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं, लिए गए हैं फॉर इरेडिकेटिंग द पावर्टी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट गोल। सेकेंड गोल जो है वो है जीरो हंगर। ओके, टोटली हंगर जो है वो एंड करना या फिर इरेडिकेट करना, ये सेकेंड गोल है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसमें क्या क्या आता है, फूड सिक्योरिटी चेक करना, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल को प्रमोट करना, ये सारी चीजें इसमें आती है, जिससे कि हंगर ये जो फैक्टर है उसे हम इरेडिकेट कर सके। ठीक है, इसमें भी कुछ बहुत सारे इंडिकेटर्स है या फिर टारगेट्स है। ओके, लगभग बहुत सारे है वो, आप विकिपीडिया पे या फिर गूगल पे आप सर्च करते हो व्हाट आर दी 8 टारगेट्स और इंडिकेटर्स ऑफ दी जीरो हंगर गोल, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें है फिर थर्ड गोल, दैट इज गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, राइट। इसमें क्या है कि इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेल बीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, मतलब कि हर एज में, कोई भी एज कैटेगरी है उसमें सारे लिवलीहुड से है या फिर पीपल है उन्हें हेल्दी लाइफ्स मिले, हेल्दी वेलबींग हो उनका, इस तरह से ये टारगेट बनाया गया है तीसरा। ठीक है, हमने एमडीजी में एक गोल देखा था, दैट इज चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना, मैटरनिटी हेल्थ को इम्प्रूव करना, राइट, तो ये इसमें आता है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग में आता है। ठीक है, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन हर एक इंसान को मिलना, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, है ना, टर्शरी एजुकेशन, ये सारे सेक्टर्स में हर एक चिल्ड्रन को, हर एक पर्सन को एक्सेस मिले, है ना, एक अच्छा एजुकेशन मिले, इस तरह से ये टारगेट बनाया गया है। ठीक है, इसमें भी अलग अलग कुछ टारगेट्स है, फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो फ्री प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन है, इक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन है, उसके बाद वोकेशनल टेक्निकल हायर एजुकेशन, है ना, अफोर्डेबल एजुकेशन मिलना, ये एक टारगेट है। उसके बाद जो स्किल या फाइनेंशियल सक्सेस है ना, उसमें इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल विद रिलेवेंट स्किल एंड फाइनेंशियल सक्सेस, ये सारी चीज़ें इसमें आती है ना। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है एजुकेशन में, ये उसे एलिमिनेट करना, इरेडिकेट करना, ये एक इसमें टारगेट है ना। तो इसकी तरह से मतलब एजुकेशन रिलेटेड बहुत सारे इसमें टारगेट्स है। ठीक है, लेकिन एमडीजी में जैसे कि एक दो टारगेट्स थे, लेकिन एसडीजी में ऐसा नहीं है, एसडीजी में बहुत सारे टारगेट्स हैं। ओके, चलो तो फिफ्थ गोल की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज जेंडर इक्वेलिटी। ओके, जेंडर इक्वेलिटी इज अबाउट टू अचीव द जेंडर इक्वेलिटी एंड एम्पावर ऑल मेन एंड वुमेन। ओके, इसमें क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ फैक्टर्स हैं जो कि जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करते हैं, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन जो होता है अलग अलग फैक्टर्स में, उसे पूरी तरह से एंड करना, अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन इसमें क्या करना है, हमें काम करना है, जो वायलेंस है या फिर एक्सप्लोइटेशन है विमेन्स का, गर्ल्स का, इसे एंड करना है, करेक्ट। उसी के साथ जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस किए जाते हैं, वायलेंसेस किए जाते हैं चाइल्ड के ऊपर, अर्ली चाइल्ड के ऊपर, है ना, या फिर मैरिज के लिए फोर्स करना, या फिर अलग अलग कुछ चीज़ें होते हैं फीमेल के रिगार्डिंग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें है ना इसमें जेंडर इक्वलिटी ज़्यादा प्रमोट करना, या फिर कुछ
और बोल सकते हैं जैसे कि डिसीजन मेकिंग हो गया, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में डिसीजन मेकिंग है या फिर लीडरशिप है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा विमेन्स को एम्पावर करना, प्रमोट करना। सो इस तरह के कुछ चीज़ें हैं, कुछ टारगेट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो जेंडर इक्विलिटी में बताई गई है। नेक्स्ट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। जैसे कि नाम में ही लिखा है ना, एक यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए क्लीन वाटर के लिए एंड सैनिटेशन के लिए, है ना। ये बताया गया है इस 6th गोल में। इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट वाटर का, सैनिटेशन का टू ऑल द पीपल, है ना, ये 6th गोल में बताया गया है। इसमें कुछ 5-6 टारगेट्स हैं जो कि 2030 तक क्या करने हैं, अचीव करने हैं। जैसे कि यूनिवर्सल एंड इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए सेफ एंड अफोर्डेबल ड्रिंकिंग वाटर के लिए। उसी के साथ यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए, इक्विटेबल एक्सेस होना चाहिए सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए, है ना। उसी के साथ वाटर क्वालिटी जो है उसे इम्प्रूव करना, पोल्यूशन जो होता है, पोल्यूशन के रिगार्डिंग कुछ फैक्टर्स होते हैं जो पोल्यूशन को बढ़ाते हैं, उसे एलिमिनेट करना। उसके बाद है जो वाटर यूज का इफिशियंसी है ना, अलग अलग सेक्टर्स में उसे सस्टेन करना, उसे इंक्रीज करना, करेक्ट। उसके बाद है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेस को इम्प्लीमेंट करना, उसे मैनेज करना, है ना, जिसे IWRM बोलते हैं, इम्प्लीमेंट इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट ऐसा बोलते हैं उसे, है ना, उसे प्रमोट करना। उसके बाद है जो वाटर के रिलेटेड या वाटर के कनेक्टेड कुछ इकोसिस्टम है ना, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, वेटलैंड, रिवर्स, एक्वीफायर, लेक्स वगैरह, उसे मैक्सिमम प्रोटेक्ट करना, है ना, उसे कंजर्व करना। ये एक गोल है, ये एक टारगेट है 6th गोल में, ठीक है। इस तरह से अलग अलग टारगेट जो है 6th गोल में बताए गए हैं। नेक्स्ट है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ठीक है। इसमें जो टारगेट है दैट इज द टू इंश्योर एक्सेस, ओके, टू इंश्योर एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और वी कैन से रिलायबल और सस्टेन मॉडर्न एनर्जी टू ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, ठीक है, ये इसका टारगेट है। इसमें भी कुछ टारगेट्स जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि मॉडर्न एनर्जी का एक्सेस, यूनिवर्सल एक्सेस सबको मिलना चाहिए अफोर्डेबल एनर्जी का, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका परसेंटेज ग्लोबली इंक्रीज करना, ये एक उसमें टारगेट है। जो एनर्जी इफिशियंसी है उसमें इम्प्रूवमेंट लाना, डबल इम्प्रूवमेंट लाना, ये एक इसमें टारगेट है। इस तरह के कुछ टारगेट्स जो है 7th गोल में बताए गए हैं। नेक्स्ट इज डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, टू प्रमोट सस्टेन इंक्लूसिव सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क, ये सबको मिलना चाहिए, इस तरह ये टारगेट है, ठीक है। सो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें कुछ टारगेट्स है, कुछ इनिशिएटिव जो लिए गए हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर बताया जाए तो उसमें है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसके साथ है इनोवेट करना, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को इनोवेट करना, ये है। उसके बाद है प्रमोट पॉलिसीज टू सपोर्ट जॉब क्रिएशन, है ना, जो रिसोर्स इफिशियंसी है उसे इम्प्रूव करना, उसके कंजम्पशन को इम्प्रूव करना, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, डिसेंट वर्क प्रोवाइड करना, इक्वल पे प्रोवाइड करना, है ना, मॉडर्न स्लेवरी जो होता है, ट्रैफिकिंग है, उसमें चाइल्ड लेबर जो है, कुछ चीज़ें हैं इस तरह की, उसे पूरी तरह से एंड करना, है ना, लेबर राइट्स जो होते हैं उसे मैक्सिमम प्रोटेक्ट करना, इस तरह के कुछ टारगेट जो है वो 8th गोल में बताए गए हैं। तो ये टारगेट्स पूरी तरह से क्या करना है, 2020 से 2030 तक जो है वो कवर करने हैं, अचीव करने हैं, दैट इज द मेन इम्पोर्टेंट गोल, और वी कैन से द टारगेट ऑफ दिस गोल। उसके बाद है 9th गोल, दैट इज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, बराबर, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना, कुछ सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसे प्रमोट करना, है ना, उसी के साथ इनोवेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा फोस्टर करना, बढ़ाना, इस तरह के कुछ टारगेट्स जो है वो 9th गोल में देखे जाते हैं, है ना। उसमें और भी कुछ टारगेट्स है, जैसे कि हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज है, या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स है ना,
इसके एक्सेस को इंक्रीज करना, दैट मींस एवरी पर्सन शुड हैव एक्सेस टू अ फाइनेंशियल मार्केट और वी कैन से फाइनेंशियल सर्विसेज. ओके, इंडस्ट्री जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे बिल्डअप करना, अपग्रेड करना, उसकी सस्टेनेबिलिटी को इंक्रीज करना, उसी के साथ रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज अपग्रेडेशन करना, उसकी रिसर्च को इन्हेंस करना, ना इस तरह के कुछ टारगेट्स है जो कि क्या कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या इनोवेशंस, इंडस्ट्रीज, इस फैक्टर्स को, इस सेक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा नाइन्थ गोल. दसवां जो गोल है, रिड्यूस इनइक्वेलिटी, है ना. हर एक सेक्टर में जो इनइक्वेलिटी हमें देखी जाती है, मतलब हम देखते हैं, उसे रिड्यूस करना, उसे कम करना, ये इसका टारगेट है ना. इनइक्वेलिटी रिड्यूस करना अमंग ऑल द कंट्रीज, बराबर. इसमें भी कुछ टारगेट जो है वो देखे जाते हैं, है ना, जैसे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, है ना, डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना, बराबर, फिस्कल एंड सोशल पॉलिसीज को इक्वली प्रमोट करना, बराबर, रेगुलेशंस है, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स है, इंस्टीट्यूशंस है, इसे इम्प्रूव करना, इसके रेगुलेशंस को इम्प्रूव करना, बराबर. इस तरह के टारगेट्स जो है हमें टेंथ गोल में बताए गए हैं. ठीक है, दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर द नॉन डिस्क्रिमिनेशन अचीवमेंट, और वी कैन से नॉन डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट भी नहीं बोल सकते, एक इनिशिएटिव जो है वो बोल सकते हैं. ठीक है, अगला है 11th गोल, दैट इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, है ना. ज्यादा से ज्यादा सिटीज को प्रोड्यूस, सिटीज बनाना, सिटी मेकिंग सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स, है ना, सेफ, रिसेलिएंट, उसके बाद सस्टेनेबल, इस तरह की सिटीज को निर्माण करना हम बोल सकते हैं, इसका टारगेट है. ठीक है, जैसे कि इसमें टारगेट अगर देखे जाए तो बोल सकते हैं कि कुछ सेफ, है ना, या फिर हाउसिंग जो होते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग या सेफ हाउसिंग, ये एक इसमें टारगेट है. उसके बाद है ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छे से सस्टेन करना, या फिर अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सेक्टर प्रोवाइड करना. उसके साथ अर्बनाइजेशन जो है ना, उसे सस्टेनेबल करना. जो कल्चर है, नेचुरल हेरिटेजेस है, उसे प्रोटेक्ट करना. उसी के साथ नेचुरल डिजास्टर्स है, उसके इफेक्ट्स जो है उसे एडवर्स करना, है ना, उसे रिड्यूस करना. उसी के साथ जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है ना, सिटीज बनाते वक्त या वाइल मेकिंग द सिटीज, और वी कैन से वाइल मेकिंग द हाउसेस एंड ऑल, उसका जो इम्पैक्ट होता है इन्वायरमेंट पे, उसे रिड्यूस करना, किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान देना, है ना. सेफ एंड ग्रीन, है ना, पब्लिक स्पेसेस ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना, या फिर इंक्रीज करना, ये भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से ये जो 11th गोल है, इसमें टारगेट्स दिए गए हैं. नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन. इसके नाम में ही लिखा है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन मतलब डू नॉट यूज मोर देन यू नीड, है ना. देखो, सस्टेनेबल कंजम्पशन को इंश्योर करना, उसी के साथ जो उसके पैटर्न है उसे उसके प्रोडक्शन को प्रमोट करना, सॉरी प्रोटेक्शन करना, ये एक इसमें टारगेट है. ठीक है, देखो इसमें अगर टारगेट्स अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से टारगेट्स है इसमें कि लाइक जो सस्टेनेबल मैनेजमेंट हो, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज हो, है ना, इफिशियंट यूज हो, है ना, इस तरह के टारगेट्स को अचीव करना, ये इसका एक एम है. उसी के साथ जो हम बोल सकते हैं कि पर कैपिटा ग्लोबल फूड वेस्ट जो होता है ना, कंज्यूमर लेवल पे या फिर रिटेल लेवल पे, तो उसे क्या करना है, उसे कम करना है, बराबर. उसी के साथ जो केमिकल्स हैं, केमिकल्स का मैनेजमेंट होता है, या फिर उसके वेस्ट, केमिकल वेस्टेज जो होते हैं, है ना, उस वेस्ट को कम करना है, उसे रिड्यूस करना है, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ गोल, काइंड ऑफ अ टारगेट ऑफ दिस 12th गोल. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, अगर मैं
उसका आंसर नहीं दे पाऊं तो नेक्स्ट लेक्चर में तो बिल्कुल ही उसका आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है। सो फील फ्री टू आस्क एनीथिंग अबाउट दिस चैप्टर और एग्जामिनेशन और दिस सिलेबस, ठीक है, यू कैन आस्क मी। 13th गोल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट गोल है, क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। कुछ ऐसे अर्जेंट एक्शंस है ना जो क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे एमिशंस जो है डेंजरस एमिशंस है ना उसे कम कर सकते हैं, उसे रेगुलेट कर सकते हैं, है ना, रिन्यूएबल एनर्जीज को प्रमोट कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, है ना, इस तरह के कुछ एक्शंस है, इस तरह के कुछ टारगेट्स जो है वो 13th गोल में हमें देखने मिलते हैं, ठीक है। वो भी ये जो टारगेट है ना, इंटर गवर्नमेंटल पैनल है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, उसे IPCC बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज उसका नाम है ना, उसमें ये कुछ साइंटिफिक टेक्निकल एंड सोशियो इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन जो है क्लाइमेट चेंज को लेकर है ना उसे पब्लिश किए गए थे। तो ये जो 13th गोल है उसमें कुछ लगभग हम बोल सकते हैं कुछ 5-6 टारगेट्स है, उसमें से कुछ हम देखते हैं, जैसे कि एडेप्टिव कैपेसिटी एंड दैट एम टू फर्स्टली स्ट्रेंथन द रिजिलियंस एंड एडेप्टिव कैपेसिटी टू क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स, इसमें एक टारगेट है, ठीक है। उसी के साथ है इंटीग्रेटेड क्लाइमेट चेंज मेजर्स इनटू द पॉलिसीज एंड प्लानिंग, ठीक है। उसके साथ है बिल्ड नॉलेज एंड कैपेसिटी रिगार्डिंग द इन्वायरमेंट, ठीक है, इस तरह के टारगेट्स है हमारे 13th गोल में। तो इसमें एक फैक्टर है दैट इज UNFCCC, ठीक है, इसके कुछ मिशंस है, इसके कुछ टारगेट्स है। तो ये 13th गोल जो है हम बोल सकते हैं UNFCCC के टारगेट्स को अचीव करना, दैट इज 13th गोल, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। 14th जो है दैट इज लाइफ बिलो वाटर, है ना, पानी के नीचे वाली जो लाइफ होती है, जीवन होता है, उसे प्रोटेक्ट करना, उसे कंजर्व करना, दैट इज द 14th गोल, है ना। कंजर्विंग एंड सस्टेनेबली यूज द ओशन सीज एंड मरीन रिसोर्सेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, दैट इज 14th गोल, आया ध्यान में। इसमें कुछ टारगेट है जैसे कि इकोसिस्टम है उसे रिस्टोर करना, प्रोटेक्ट करना, मरीन पोल्यूशन जिस चीजों से होता है, जिस फैक्टर्स से होता है, उसे क्या करना, उस फैक्टर्स को रिड्यूस करना, ठीक है। उसकी के साथ है ओशन एसिडिफिकेशन होता है, उसे रिड्यूस करना, है ना, फिशिंग जो है उसे सस्टेनेबल करना, जो कोस्टल एंड मरीन एरिया जो है उसे कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, बराबर। तो इस तरह के टारगेट जो है जो कि हमारे मरीन लाइफ या फिर लाइफ बिलो वाटर उसे हम कह सकते हैं, इसे प्रोटेक्ट कर सके, इसे कंजर्व कर सके, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद है लाइफ ऑन लैंड, जैसे कि पानी के अंदर लाइफ होती है वैसे ही जमीन के ऊपर भी कुछ लाइफ होती है, तो उसे प्रोटेक्ट करना, उसे रिस्टोर करना, उसे प्रमोट करना, ये 15th जो है गोल है उसका टारगेट है, ठीक है, हम जिसे बोलते हैं टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है ना उसे प्रोटेक्ट करना, क्लियर। उसमें भी कुछ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है उसे रिस्टोर करना, कंजर्व करना, ये एक बात होगी। डिफॉरेस्टेशन को कम करना है, एंड करना है डिफॉरेस्टेशन सिस्टम को, है ना, ये जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, जो फॉरेस्ट ऐसे जंगल जो कि डिग्रेड हो चुके हैं उसे रिस्टोर करना, समझ रहे हो, जो माउंटेन इकोसिस्टम है उसे कंजर्व करना, है ना, नेचुरल हैबिटेट्स, बायोडाइवर्सिटी, ये जो चीजें है उसे क्या करना है, उसे प्रोटेक्ट करना है, इस तरह के कुछ टारगेट जो है, इस रिलेटेड कुछ टारगेट जो है वो है लाइफ ऑन लैंड गोल के अंदर, ठीक है। सेकेंड लास्ट गोल है 16th गोल है, दैट इज पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ओके, जो पीसफुल इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसी के साथ प्रोवाइड एक्सेस टू जस्टिस for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels, है ना, ये सारी चीजों को प्रमोट करना जो टारगेट है वो है 16th गोल का टारगेट, ठीक है। जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब प्लान्ड क्राइम्स होते हैं,
बराबर ना, उसको क्या करना है, उसे कॉम्बैट करना है ना, हमारे जो रूल्स एंड लॉज है ना, जस्टिस जिससे हमें मिलता है उसे इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, हर एक पर्सन को उसका इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए, है ना, देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन दिस टर्म, समझ में। डेवलप इफेक्टिव अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट इंस्टीट्यूशंस, रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन मेकिंग उसमें होना चाहिए, स्ट्रेंथन द पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल गवर्नेंस, इस तरह के कुछ टारगेट्स हैं 16th गोल में, ठीक है। लास्ट जो है दैट इज स्ट्रेंथन, सॉरी पार्टनरशिप फॉर द गोल्स 17th गोल, ठीक है। इसमें क्या है, जो हम बोल सकते कि ग्लोबल पार्टनरशिप जो होती है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसे स्ट्रेंथन करना है, उसे मजबूत बनाना है, उसे स्ट्रॉन्ग करना है, अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन करने हैं जिससे क्या हो सकता है, जिससे ये जो 17th गोल है ग्लोबल पार्टनरशिप जो है उसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, है ना, उसमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंक्रीज कर सकते हैं, बराबर, मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप जो है ना उसको डेवलप कर सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजीज है ना, ओवरऑल जो चीज़ें हैं है ना उसमें हम सक्सेस पा सकते हैं, उसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे है डेवलपिंग डेवलप कंट्रीज और क्या हो सकती है, इम्प्रूव कर सकती है, करेक्ट। तो इस तरह के कुछ टारगेट्स हैं अपने 17th गोल्स में, ओके। तो अभी हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है उसके ऊपर ये एमसीक्यूज है, दैट मीन्स वी विल नो कि आपको कितना अच्छे से ये चैप्टर समझा है, ठीक है। द एजेंडा 21 ऑफ रियो समिट इन 1992 इज रिलेटेड टू, ठीक है, जो एजेंडा 21 जिसे कहा जाता है रियो समिट में 1992 में था, वो किसके रिलेटेड है, एमडीजी के, एसडीजी के, या फिर टू प्रिवेंट द एमिशंस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। आई विल गिव यू 10 सेकेंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, ओके, विद इन 10 सेकेंड्स आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है कि आपका ऑप्शन ए बी सी डी इसमें से कौन सा करेक्ट रहेगा। ओके, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ओके। नेक्स्ट लेक्चर देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कि व्हेन वाज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसका डिस्कशन, उसके बारे में जो आइडियाज है वो बहुत ही पहले आ चुके थे, ठीक है, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसके जो एक्चुअल वर्क जो है वो बाद में आया था। तो ये पहले डिस्कस कब किया गया था टर्म, 1987, 80, 78 or 92, giving you 10 seconds to answer this question, okay। Okay, so right answer is option A, okay, 1987 is the correct answer, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, देखो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के सारे गोल्स पढ़े हैं, है ना, फर्स्ट से लेके 17th तक सारे गोल्स हमने पढ़े हैं, करेक्ट। तो उसमें से कौन सा गोल ऐसा है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का नहीं है, ये पूछा है, दैट मीन्स तीन ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में है, बराबर, एक जो है वो नहीं रहेगा, ठीक है, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इसके साथ पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, इसके साथ उसके बाद है लाइफ बिलो वाटर, और उसके बाद है कॉम्बैट एचआईवी एड्स मलेरिया एंड अदर डिजीजेस। अगर आपने वो लेक्चर देखा है, प्रीवियस लेक्चर भी देखा है और ये भी लेक्चर अच्छे से देखा है लास्ट तक, तो आपको पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, है ना, क्योंकि इसमें क्या बताया गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के गोल जो है उसमें से कौन सा ऐसा गोल है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नहीं है, है ना,
मतलब कि चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा गोल है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नहीं है। चलो फटाफट आंसर चाहिए इसका, है ना। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी ऑब्वियसली, क्योंकि ये कॉम्बैट एचआईवी एड्स एंड मलेरिया, ये जो टारगेट है वो किसका टारगेट है, ये एमडीजी का टारगेट है। ठीक है, एमडीजी में बताए गए जो 8 टारगेट है उसमें से एक ये टारगेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय विच ईयर, ऐसा कौन सा साल है, ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा साल है ना, ईयर है, उस ईयर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना है, मतलब उस ईयर में नहीं उस ईयर तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो है वो क्या करना है, कंप्लीटली फुलफिल करना है ना। व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये बहुत बार डिस्कस किया है हमने, तो आना ही चाहिए इसका राइट आंसर, तो आना ही चाहिए सबका, बिल्कुल भी गलत आंसर नहीं होना चाहिए। अगर सबने ये लेक्चर देखा है तो उन्हें पता होगा कि इसका टारगेट ईयर क्या है, अगर नहीं देखा है तो आपको कभी नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो फटाफट दे दो आंसर, दैट इज ऑप्शन सी 2030, है ना। और एमडीजी का क्या था टारगेट ईयर, दैट वाज 2015। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसडीजीज, अभी इसमें एसडीजी के गोल्स कौन से है ये पूछा है। ठीक है, एसडीजी के पूछे हैं, एमडीजी के नहीं पूछे हैं। रिड्यूस इनइक्वालिटी, कहाँ गया, रिड्यूस इनइक्वालिटी, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। देखो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इसमें बहुत ही ईजी एक टेक्निक है कि अगर इसमें से आपको एक भी कन्फर्म पता है ना, एक या दो, दो मैक्स टू मैक्स दो या तीन आपको कन्फर्म पता है तो आप बहुत ही ईजिली इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, एस डी जी के टारगेट हमें पता है बराबर, तो वो क्या है टारगेट आप देख सकते हो 17 गोल्स में से। ठीक है, देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कैसे हम इसका आंसर खोज सकते हैं बराबर, रिड्यूस इनइक्वालिटी ये एसडीजी में है बराबर, एसडीजी में है, दैट मींस ए जो ऑप्शन है ए वो तो होना ही चाहिए, तो इसमें ए है ये हो सकता है, इसमें ए है नहीं ये कट हो गया, इसमें ए है ये हो सकता है, इसमें ए है नहीं तो ये होगा, तो ऑप्शन ए एंड सी में होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन देखो, अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, उसके साथ इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, अब ये चाइल्ड मोर्टेलिटी रिड्यूस करना ये किस में है ना, ये एमडीजी में है बराबर, तो ये तो नहीं होना चाहिए है ना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी अगर किस में है तो इसमें ऑप्शन डी है, तो ये तो नहीं होना चाहिए है ना, तो राइट आंसर यही होना चाहिए। अब ए देखो रिड्यूस इनइक्वालिटी है, सी है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यस वो भी है ना, ई है, ई क्या है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी है, एफ क्या है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये भी है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमने ये जो गोल है वो पढ़ा है ना, ये सारे गोल्स जो है हमने पढ़े हैं, तो इसलिए हम इसका आंसर जो है वो अच्छे से ईजी वे में दे पाए हैं। ठीक है, अब इसी तरह से कुछ और भी क्वेश्चन है आपके लिए वो भी हम देखते हैं। In what period of time the UN member state aimed to achieve the Millennium Development Goal? अब Millennium Development Goal को कब अचीव करना था ये क्वेश्चन पूछा है, कब करना था अचीव हमें पता है 2000 से लेके 2015 तक बराबर। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सब फिर से मिलेनियम डेवलपमेंट का है ये शायद हमने पढ़ा है। ठीक है, ये भी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का है, हाँ। अब ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, ये भी हो गया शायद,
ओके सो एवरीवन, दिस इज ऑल अबाउट दी एसडीजीज एंड एमडीजीज। उसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी थोड़े थोड़े बहुत डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद भी और भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एमडीजी एंड एसडीजी पे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शन जो है उसके ऊपर रहेगा। सो आई सजेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज वॉच दैट वीडियो टू द एंड, ठीक है। ओके चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, ठीक है।